पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर इलाके में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने सोमवार सुबह इलाकों का दौरा कर इलाके में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर्स का जायजा लिया। वैक्सीनेशन सेंटर की स्थिति और व्यवस्था को देखकर हरदीप पुरी ने जमकर तारीफ की। मैं तो यही कहूंगा कि प्रवेश जी और मैं यहाँ आए, मैं और भी वैक्सीनेशन सेंटर में गया हूँ कई बार और मुझे बहुत खुशी है कि तौर तरीके से काम हो रहा है। जो जिनको वैक्सीनेट करवाना है, कई पहली डोज के लिए आ रहे हैं, ज़्यादातर सेकंड डोज के लिए आ रहे हैं, उनके लिए वेटिंग रूम है, फिर टीका लगता है, उसके बाद उनको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और काम जो ज़ोरों से हो रहा, मैंने जो यहाँ के इंचार्ज उनसे पूछा, प्रतिदिन हफ्ते में 6 दिन 900 से 1000 टीकाकरण के लिए हमारे भाई बहन आते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया के सामने दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीते दिनों में वैक्सीन और ऑक्सीजन को लेकर कई तरह के भ्रम और झूठ फैलाए गए, जिसमें कहा गया कि वैक्सीन और ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है, इसकी वजह से दिल्ली में लोगों के सामने भय का माहौल है। लेकिन कुछ भी नहीं था, क्योंकि केंद्र सरकार सभी राज्यों को उनकी आवश्यकता के मुताबिक वैक्सीन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है। देखिए, झूठ और भ्रम फैलाने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए होती, समझे ना। दिल्ली में, दिल्ली की जो जनसंख्या है वो करीबन जैसे मुंबई की जनसंख्या उसके बराबर है, और यूपी की, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दिल्ली से 10 गुना ज्यादा है। ये क्या, कैसे लोगों ने हवा फैलाई कि दिल्ली में ऑक्सीजन खत्म हो गई। अरे भाई, ऑक्सीजन खत्म हो गई तो कहां गई ऑक्सीजन, समझ रहे मेरी बात। अगर दिल्ली में, उत्तर प्रदेश से ज्यादा ऑक्सीजन लग रही है तो उसमें कुछ गड़बड़ी है। अरे जी, वैक्सीन खत्म हो गई, वैक्सीन कहां खत्म हुई है। एक तौर तरीका बनाना, दूसरा हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसके लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की सरकार को, अपना काम किया नहीं, झूठा भ्रम फैलाते गए। दिल्ली की जनसंख्या महाराष्ट्र के मुंबई की जनसंख्या के बराबर है और इन दोनों जगहों की जनसंख्या से 10 गुना से ज्यादा जनसंख्या यूपी में है। यहां सभी कार्य प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। ऐसे में दिल्ली में प्रोवाइड कराया गया वैक्सीन और ऑक्सीजन कहां है, इसके लिए दिल्ली सरकार की जवाबदेही बनती है, न कि केंद्र सरकार की। टोटल न्यूज के लिए ओपी शुक्ला की रिपोर्ट।